हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जायका फ्यूजन। आज मैं आपको बहुत ही यमी टेस्टी क्रिस्पी चिकन सैंडविच बना के दिखाऊंगी। अगर आप वो सैंडविच एक बार खा लेंगे तो आपको कभी भी सैंडविच बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बार बार मेरी ही रेसिपी को देखकर सैंडविच बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल जायका फ्यूजन को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। अब मैंने पूरे चिकन को एक फ्राइंग पैन में ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, बिल्कुल जरा सा। मैंने इसमें हाफ कप पानी मिलाया है और हाफ चम्मच चाय का चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ नमक और हाफ चाय का चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ हल्दी पाउडर। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल सिम पे करके इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटा लिया है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी भी है, तो फ्लेम को हाई पे करके इस पूरे पानी को ड्राई कर लीजिए। पानी पूरा ड्राई हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमें इसे ठंडा कर लेना है क्योंकि चिकन के पीस थोड़े बड़े हैं और हमें सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए थोड़े छोटे पीस चाहिए, तो हाथ से थोड़ा सा मैश करने की जरूरत है, इसीलिए हम इस चिकन को ठंडा कर लेंगे। जब तक चिकन ठंडा हो रहा है हम एक यमी सा टैंगी सा सॉस तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मेयोनीज और 1 टेबल स्पून ही लेंगे हम टमाटो सॉस। और 1 टीस्पून लेंगे शेजवान सॉस, हाफ टीस्पून लेंगे व्हाइट विनेगर, हाफ टीस्पून लेंगे चीनी। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बहुत बढ़िया सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर दीजिए और हाई पे कर दीजिए। अब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो मैंने ये प्याज ले लिया है। ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको बहुत छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है। ये 4 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। ये 1 हरी मिर्च है और ये 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक है। पैन बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे कर दीजिए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके हम पैन में डाल देंगे। तो सबसे पहले गार्लिक, उसके बाद जिंजर, उसके बाद हरी मिर्च और उसके बाद प्याज। हाफ मिनट सॉटे करने के बाद मैंने ये देखिए ये हाफ शिमला मिर्च है, इसको बिल्कुल छोटा छोटा करके काट के रखा है और ये थोड़ा सा कैरेट है, इसको भी छोटा छोटा करके काट के रखा है, ये मिला देंगे। आपके पास अगर रेड बेल पेपर हो या येलो बेल पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो जरूर मिलाइए। अब ये चिकन ठंडा हो गया है तो हाथ से थोड़ा सा इसे मैश कर लीजिए, जो बड़े टुकड़े हैं उनको छोटा कर लीजिए। बहुत ज्यादा मैश करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टफिंग में, जिससे कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े ना जाएं, बस इसलिए थोड़ा सा हाथ से मैश कर लीजिए। मैंने इस चिकन को मैश कर लिया है हाथ से, अब मैं इसे पूरा डाल दूंगी। बहुत अच्छे से मिला लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और हाफ चम्मच नमक मिलाऊंगी। तो नमक हमने चिकन को बॉईल करते टाइम भी मिलाया था और सॉस में भी नमक है, तो थोड़ा ध्यान से मिलाना है नमक को, ज्यादा ना हो जाए। हमें थोड़ी देर बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है जिससे कि ये जिंजर और गार्लिक की जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। ये अच्छे से फ्राई हो गया है और जिंजर और गार्लिक की जो रॉ स्मेल थी वो अब नहीं आ रही है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए अब ढक देंगे। अब हम ढक्कन खोल लेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर कर दिया है और अब ये सॉस धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे। अब मैं बाकी का बचा सॉस भी मिला दूंगी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है, अब लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे
थोड़ा सा हरा धनिया और एक चम्मच काली मिर्च, काली मिर्च पाउडर। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, अच्छे से मिला लीजिए और इसे ढक दीजिए और अलग हटा के रख दीजिए, क्योंकि अभी हमें सेकेंड स्टेप की तैयारी करनी है। हमें इसे खोल के इसलिए नहीं रखना है क्योंकि स्टफिंग जो है वो ड्राई हो जाएगी। अब मैंने ले लिया है एक कप कॉर्नफ्लेक्स, मैं हाथ से इस तरह से क्रश कर लूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम या रस का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें मैं एक कप मैदा डाल दूंगी और उसके ऊपर हाफ कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अच्छे से हाथ से थोड़ा सा देख लीजिए कि कोई गांठे वगैरह ना हो। उसके बाद इसमें मिलाइए एक चाय का चम्मच चीनी, चम्मच सॉल्ट, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। अब हमें इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है, तो धीरे धीरे इसमें पानी ऐड कीजिए। मैं बैटर की कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूंगी। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, तो हमें ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा बैटर चाहिए और ना ही बहुत पतला। देखिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। मैंने सैंडविच बनाने के लिए इस तरह के ब्रेड लिए हैं, ब्राउन ब्रेड के स्लाइस। तो मेरे पास जो स्टफिंग है इसे आराम से आपके 6 सैंडविच बन जाएंगे, और अगर आप बीच में से इस तरह से काट देंगे तो आपके 12 सैंडविच मतलब 12 सैंडविच बहुत आराम से तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टफिंग को इस तरह से लगा देंगे। हम आज सैंडविच को शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल। उसके ऊपर अब ये दूसरी ब्रेड लगा देंगे और लगा के हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे। थोड़ा प्रेशर देकर प्रेस कीजिएगा बस। अब ये जो घोल बना के रखा है इसमें इस तरह से डुबोएंगे। देखिए और एक्स्ट्रा जो था उसे इस तरह से ड्रेन कर लेंगे। अभी कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह से कोट कर देंगे। तो पैन में जो है ऑयल गर्म हो गया है, हम आज इसको शैलो फ्राई करेंगे। बस इस तरह से रख दीजिए और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिए। अब केयरफुली इसे इस तरह से उलट दीजिए। हमें इसके सरफेस को बिल्कुल रेड कर लेना है जिससे कि बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है दोनों तरफ से। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। मैंने इस तरह से 2 सैंडविच फ्राई कर लिए हैं, देखिए कितना क्रिस्पी है ये। तो चलिए मैं अब आपको इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना यमी, क्रिस्पी और टेस्टी है ये। तो आप प्लीज इसे जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।